नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारत सरकार ने कोविड 19 के वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब कोविड 19 की वैक्सीन पहले देश के लोगों को लगाई जाएगी और देसी उपभोक्ताओं के पूर्ति के बाद ही कोविड 19 वैक्सीन का निर्यात का आदेश दिया जाएगा। अर्थात अगले आदेश तक कोविड 19 के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है ताकि बढ़ते कोरोना के मामले पर काबू पाया जा सके। हालांकि जानकारों का मानना है कि दुनिया के अन्य देशों को जितना वैक्सीन चाहिए था वो हमने पूर्ति कर दी है और कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने दवाइयां सप्लाई कर और वैक्सीन सप्लाई कर दुनिया में अपना नाम बनाया है वो आगे भी जारी रहेगा। हम ये ध्यान रखेंगे कि दुनिया को वैक्सीन की कमी ना पड़े, लेकिन पहले अपने देश के लोगों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए निर्यात पर रोक लगाई गई है।